अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एक चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, और जब भी रेस्पिरेशन होगी इसमें एनर्जी मिलेगी आपको। फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। चलें, ये तो आ गया कंक्लूजन, ठीक है। किस तरह, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी बार बार बात हो चुकी है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपके सामने लिखें, CO2 H2O, सोलर एनर्जी क्लोरोफिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H12O6, ये आ गया ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इसी को हम फूड कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्लांट ज़रूरत पड़ने पे ATP के अंदर। तो यही उसने लिखा है कि विद द एमर्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, के जब फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई तो ये देखिए बाई प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को फिर उन्होंने कहाँ पे यूज़ किया, रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत प्रिमिटिव पुरानी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, क्योंकि जब ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था तब उस ज़माने में वो रेस्पिरेशन जो थी वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती थी। अच्छा, उस ऑक्सीजन में विदाउट ऑक्सीजन, याद रखें कि अगर ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन हो रही है तो आपके पास टोटल जो है वो नेट एनर्जी वो पूरी नहीं आएगी। अगर आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो आपके पास कभी भी ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी नहीं आएगी। तो उसके नतीजे में आपके पास पार्शली या बहुत थोड़ी सी एनर्जी आएगी। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़ेंगे फिर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी आएगी। तो इसमें भी आगे प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, वहाँ पे बड़ी डिटेल से इसमें बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिगिंस टू कॉमुलेट इन द एटमॉस्फेयर के अंदर, ये जमा होना शुरू होगी, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ अ रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। किस तरह एनर्जी रिलीज करता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड रेस्पिरेशन आर द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी आर स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस एंड रेस्पिरेशन, हालांकि देखा जाए तो बात कोई नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ग्लाइकोलाइसिस जो है कि रेस्पिरेशन की ही टाइप्स, रेस्पिरेशन के अंदर ही आ जाता है, लेकिन लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। रेस्पिरेशन चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए उसने लिख दिया ग्लाइकोलाइसिस एंड रेस्पिरेशन आर द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी को कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फिर दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनर्जी को रिलीज किया जाता है। सो रेस्पिरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अच्छा, फिर इसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। रेस्पिरेशन रिलीज ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ATP को बनाने के लिए। अब ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे उसने लिखा है कि एनर्जी करेंसी है ये, सेल के लिए क्या है, एनर्जी करेंसी है। अच्छा, एनर्जी करेंसी को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप मेटाबॉलिज्म चलाने की बात करें तो मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए तो यहाँ आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक फूड और एक ATP। तो कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, हम कहते हैं कि ATP, जब भी सेलुलर एक्टिविटीज़ के साथ डील करने की बात आएगी हम कहेंगे सेल को क्या चाहिए, ATP चाहिए। हालांकि फूड भी तो सेल को अवेलेबल होती है। अब फ़र्क क्या है, देखें कि छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप लेट से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वो मार्केट वाले शॉप वाले से कहते हैं कि अच्छा ये मैंने 5,000 रुपये की शॉपिंग की है। अच्छा, फिर आपके पास पैसे नहीं है, आप कोई अपनी कीमती वॉच उतार के उसे देते हैं, अच्छा ये रख लो ये 10,000 रुपये की वॉच है और इसमें से मेरा बिल डिडक्ट कर लो। वो शॉपकीपर कभी भी ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि जब आप मार्केट वैल्यूज़ की बात करेंगे, मार्केट वैल्यूज़ में जो करेंसी जानी पहचानी जाती है, अगर आप देखें तो वो रुपया पैसा इसको मानेंगे और किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। हालांकि वो जो आप वॉच उसको दे रहे हैं वो आई वो भी पैसों से ही है, हालांकि उसकी नीड उसको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप करेंसी निकाल के देंगे वो फिर आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज़ आपको वो आपकी मनपसंद चीज़ नहीं देगा। तो इसी तरह अगर हम सेलुलर एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, सेल के पास फूड तो होती है, ठीक है, और सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ATP की।
तो इसीलिए कह रहा है कि एटीपी इज़ अ एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एटीपी इज़ अ लिंक बिटवीन द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के दरमियान एटीपी एक लिंक है। किस तरह, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। लिंक को अगर यहाँ पे आप नज़र दौड़ाएँ कि एनाबोलिज्म, ठीक है, अगर ये एनाबोलिज्म चल रहा है, सनलाइट से क्या बना, एटीपी बना, एटीपी से फिर क्या बना, फूड बना। अच्छा, ये इस चैप्टर का पहला हिस्सा है। आप देखेंगे कि फोटोसिस्टम के ऊपर आपके लाइट पड़ेगी, लाइट से फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, एटीपी फॉर्मेशन होगी, फिर आप फूड बनाओगे एट्सेट्रा। फिर उस फूड को जब आप तोड़ेंगे तो ये कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा देखिए, पहले मरहले में आपने फूड को, सनलाइट को यूज़ करके एटीपी बनाया, एटीपी से फिर आपने क्या बनाया, फूड बनाया, और फिर फूड को आपने तोड़ा एटीपी में, और उस एटीपी को सेल ने क्या किया, यूज़ किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सेल को क्या ज़रूरत है कि सनलाइट से वो क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है, और एटीपी से फिर फूड बनाता है, फिर फूड को तोड़ के एटीपी बना रहा है। अगर सेल सनलाइट से बनने वाली एटीपी को बराह रास्त यूज़ कर ले, क्या ऐसे नहीं कर सकता? सोचने की बात है ना कि देखिए कि सनलाइट से क्या बना, एटीपी बनी, और एटीपी से फूड क्यों बनाता है, एटीपी को तो बराह रास्त भी तो यूज़ कर सकता है ना। यहाँ पे भी सेल क्या यूज़ कर रहा है, एटीपी। अगर हम यहाँ से फूड को निकाल दें कि फूड की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, इसका बड़ा रीजनेबल आंसर है हमारे पास। याद रखें कि बेटा फूड जो है, फूड एक स्टेबल फॉर्म है एनर्जी की। अगर एटीपी देखा जाए तो एटीपी जो है ये अनस्टेबल है। एटीपी बहुत जल्दी टूट जाता है। आप एटीपी को बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर एटीपी को आप स्टोर करना भी चाहोगे तो हो सकता है कि वो टूट के इरेगुलर मैनर में, या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी या सारा आपका फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आप देखें कि हम प्लांट से क्या लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं, अदर सोर्सेज से जो कुछ भी है, फिर हमें तो कुछ भी नहीं मिलना था। अगर एक प्लांट जो है वो सनलाइट से डायरेक्टली एटीपी बना के खुद यूज़ करी जा रहा है, अगर वो फूड नहीं बना रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। खैर, ये नेचर का कायदा कानून है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि फूड फॉर्मेशन बड़ा ज़रूरी है। सनलाइट से जो एटीपी बना, वो एटीपी क्या बनाता है, फूड बनाता है। तो फूड जो है ये स्टेबल फॉर्म है। ये प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे इस फूड को कन्वर्ट करते रहते हैं किस में, एटीपी में, और फिर उस एटीपी को कौन यूज़ कर लेता है, सेल यूज़ कर लेता है। तो ये थी सिंपल बेसिक सी चीज़ें। यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सामने दिए गए, इन सब को बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।